देख रहे हो सांझ टीवी न्यूज़ पोर्टल। जेकर तुसी हो अपनी जिंदगी तो परेशान जिवें लव मैरिज वशीकरण लॉटरी नंबर कीता कराया पीआर दी समस्या सोतन दुश्मन तो छुटकारे दा पक्का हल सम्राट माता मुमताज जी कोलो गारंटी नाल करवाओ प्यार च धोखा खादे प्रेमी प्रेमिकावां एक बार जरूर फोन करन 7390909786। कपूरथला के हलका सुल्तानपुर लोधी पुलिस के निहंग सिंह जथेबंदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धक्केशाही और बेअदबी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि गुरुद्वारा श्री बेर साहिब के सामने बने निहंग सिंघां दे स्थान च दूसरी जथेबंदी का कब्जा करने की नीयत नाल पुलिस ने निहंग सिंघां दी कुटमार की बेअदबी की। निहंग सिंह बुढ़ा दल के मैंबर ने सुल्तानपुर लोधी के श्री गुरु नानक प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस कर पुलिस से धक्केशाही के आरोप लगाए हैं। निहंग जथेबंदी के लोगों मुताबिक उन्होंने जानकारी मिली है कि पुलिस उन्होंने किसी झूठे मामले में फंसा सकती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अजिहे च निहंग जथेबंदी धरना प्रदर्शन नहीं करेगी बल्कि आर पार की लड़ाई लड़ेगी। ये साढ़ा इतने ना छावनी है बुढ़े दल की तकरीबन घट्टो घट 46 साल हो गए ना साढ़े को सिंह साहब बाबा संता सिंह जेडे थापे हुए से इतने महंत बाबा लाल सिंह जी वो इतने के मौजूदा सेवादार थापे गए बुढ़े दल वालों। ये हुण जिहड़ा आपे बनिया बलबीर सिंह है ये अपना प्रशासन के जोर के नाल जिहड़ा सारा काम करा रहा है वो कब्जा करना चाहुंदा इत्थे इत्थों दे जिहड़े कुछ अफसर ने जिवें SSP साहब DSP साहब तो मौके का जिहड़ा मौजूदा थाने का इंचार्ज है एक एक MLA साहब इन्हां दा सारिआं दा मिली भुगत हो के जिहड़ा जाली इन्हां ने बनाए ने बोर्ड के कागज़ वो जिहड़ा बनाउण वाला है वह भी जिहड़ा रिटायर होया होया इन्हें बनाए ने ये 44 कनाला जिहड़ियां साढ़े हाई कोर्ट तो नौ हुई ने साढ़े हक विच ने साढ़े को कागज़ ने उन्हां दे उन्हां पर भी लिखा भी इत्थे कब्जा नहीं किया जा सकता। तो उदों भी एक दिन पहला भी पुलिस वाले आए थे तकरीबन 200 के करीब उदों भी असीं उन्हां नूं यही कहा भी जे थोड़े कोई कानूनी कार्रवाई है तो वह सानूं दिखा दिओ असीं चले जावांगे पर कानूनी कार्रवाई उन्हां कोई नहीं सी। तो उदों भी वह बेअदबी भी कर लगे सने जुत्तियां दरबार च बड़े उदों मोड़ते सिंघां ने ते कल होला महला सी असीं आनंदपुर साहब नूं होला महला मनाउण वास्ते सारे सिंह घोड़ियां दे समेत गए इत्थे 4-5 सियाणे सिंह छड्ड के गए सी इहनां साडे मगरों हमला करके नाल तां गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कीती दरबार साहब दे विच सने जुत्तियां बड़े ने ते जा के देखिया जावे मौका पोथियां भी जिहड़ियां महाराज दियां चक चक इधर मारियां रुमाले खोल खोल खलैया बहुत कीता ते फिर जिहड़ा बाबा जी का कमरा है तो महंत जी का कमरा है उन्होंने ताले तोड़ के बूहे भन्न के उन्होंने जिन्ना भी समान सी साडा माया वगैरह की 10-15 लाख रुपया माया सी 15 लाख तो होर बहुत सारे कीमती समान जिहड़े जिन्ने कागज़ सी साडे कोल वो सारे दे सारे भन्न के ले गए लसांसी जिहड़े शस्त्र सी बाबा लाल सिंह दे ते वह भी उत्थों भन्न के ले गए। ये दूसरा जिहड़ा खजाना साडा अपना दल का वो भी उन्होंने जिंदे तोड़ के उहदे विचों कोई भी जिहड़े पुरातन शस्त्र सी साडे कोल कीमती इन्हां दी कोई कीमती नहीं महाराज जी निशानियां वह भी चक के ले गए ते जिहड़े होर शस्त्र सी होर घोड़िया दे समान ते होर खाने पीने दीआं रस्तां वस्तां सर्व उहदे बर्तन खुरचणियां तक उन्होंने साडे छड्डे ने मतलब प्रशासन ने डाका मारिया किस्म का चोरी की है साडे सिंघां नूं नजायज़ कुट के उन्होंने बंद कर दिता है ते मगरों सारा समान उन्होंने लुट लिया। किसी सिंह नूं अरैसट भी किया गया अरैसट सिंघां नूं किया सी ते उदों फिर उन्होंने छड्ड दिता गया किस वजह करके छड्डे ये नहीं वजह तो पता लग्या नजायज़ कोई नहीं लसंसी जो हथियार ने बाबा लाल सिंह के नौ ने तो चेक किए जा जे नजायज़ ने सू दिखा दे भी नजायज़ फड़े गए। उधर पुलिस ने आरोपों को बेबुनियाद दसा है तो उन्होंने इस निहंग जथेबंदी के उक्त स्थान के मुखी के धोखे के एक मामले में उसकी गिरफ्तारी और कुछ लोगों वालों नजायज़ ढंग हथियार रखने संबंधी सर्च दसा है। उस संबंध में असी रेड तां कीता सी एक फ्रॉड का मुकदमा नंबर अं 131 नंबर FIR लॉस की हैगी है बाबा लाल सिंह के बरखिलाफ इन करीब 80 लाख की ठगी मारी है। ये दुकानदारा अपना उस जगह का अपने आप को मालिक दस के तो वह अगे जगह बेची सी जिस संबंध में FIR नंबर 31 दर्ज हुई 420-465-67-68-71 की उस संबंध में मानजो कोर्ट वालों यदि जी बेल है रिजेक्ट हो गई सी ते एक तो वो भाल वास्ते तो प्लस सानू ये सर्च करनी जरूरी सी क्योंकि आम पब्लिक की कंप्लेंट सी भी इतने
ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਅਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 315 ਬੋਰ ਰਾਈਫਲ, 25 ਆਪਣਾ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਗਨ ਸੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਇਹਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ? ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 53 ਨੰਬਰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 307, 324, 148, 149, 353, 186, 188, IPC, 25, 27, 54 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। 7 ਸੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਫਾਰਮਰ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ 7 ਸੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ। ਕਾਲ ਕਰੋ 98556-12912। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ।